कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 10 सीटें दांव पर हैं और इनमें से 7 उम्मीदवार बीजेपी के जीतने तय हैं। 8वां उम्मीदवार भी बीजेपी ने खड़ा किया है, वो भी उसे लेकर भी जो रणनीति है बीजेपी ने बना ली। और इस सब के बीच जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने NDTV से कहा कि वो और उनके 2 अन्य विधायक बीजेपी के साथ हैं। कल बीजेपी के पक्ष में वो मतदान करेंगे राज्यसभा चुनाव में। इस राज्यसभा चुनाव से पहले आज ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया की मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ देने का फैसला किया। राजा भैया का वोट बीजेपी के उम्मीदवार की जीत के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा हमने बताया, 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव यूपी में कल होने हैं। 7 पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलनी तय थी, लेकिन बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार कर लड़ाई को रोमांचक बना दिया है और उस लड़ाई में राजा भैया का जो वोट है वो अहम साबित हो सकता है। राजा भैया, आपको लेके बहुत कयास है, सपा भी मिल रही है, भाजपा में मिल रही है, आप किसके साथ? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हैं, हम और हमारे मतलब दोनों विधायक हम लोग। कोई इसमें शक शुभा तो नहीं, समाजवादी पार्टी को एक कम से कम संदेश आओ है, बात होती रहती है।